જામનગરમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે। જામનગરની વાત કરી રહ્યા છે કે જ્યાં રેક્ટર સ્કેલ પર 4.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો છે। કેન્દ્રબિંદુ દરિયામાં જામનગરથી 14 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું છે, પરંતુ કાંઠા વિસ્તારના લોકોને સૌથી વધુ અસર આ ભૂકંપના કારણે થઈ છે। સૌથી વધુ અનુભવ કાંઠા વિસ્તારના લોકોને થયો છે, ત્યારે જામનગર સહિત તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે। સલમાન જોડાયા છે આપણી સાથે ફોન લાઈન પર। જી સલમાન, કાંઠા વિસ્તારના લોકોને સૌથી વધારે અસર થઈ હશે, શું કહી રહ્યા છે કાંઠા વિસ્તારના લોકો? જિલ્લો છે તે સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી વિશાળ દરિયાકાંઠો ધરાવતો જિલ્લો છે, ન માત્ર સૌરાષ્ટ્ર પરંતુ ગુજરાતનો સૌથી વિશાળ દરિયાકાંઠો ધરાવતો જામનગર જિલ્લો આવે છે। અને આ જામનગર જિલ્લામાં અનેક વખત હળવા જે ભૂકંપના આંચકાઓ છે તે લોકોએ અનુભવ્યા છે, તંત્રએ પણ અનુભવ્યા છે, જેની નોંધ પણ લેવાય છે। પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આજે ભૂકંપના આંચકા છે તે અનેક વખત આવતા જ લોકોમાં એક પ્રકારનો ભય હતો, પરંતુ આજે જે રીતે ભૂકંપનો આંચકો છે તે અનુભવાતા સમી સાંજે સલમાન આપને અટકાવવા માંગે છે। આપણી સાથે હાલ ફોન લાઈન ઉપર જોડાયા છે સિસ્મોલોજી વિભાગના અધિકારી સુમેર ચોપડા। જી, તમારી પાસેથી ખાસ એ જાણવા માંગુ છું, જે પ્રકારે 2001માં પણ આ જ પ્રકારની પ્લેટો હલી હતી અને 2001ની ઘટના ઘટી હતી, જે સુમેર જોડાઈ ગયા છે આપણી સાથે। જે સુમેર, આપસે મેં યહી જાનના ચાહતા હું કે જિસ પ્રકાર સે 2001 મેં ભી ઇસી પ્રકાર કે એક બાદ એક ભૂકંપ કે ઝટકે આ રહે થે ઓર ઉસકે બાદ એક બડા ઝટકા મિલા થા, ઉસી પ્રકાર સે જામનગર મેં ભી બાર બાર ઇસ પ્રકાર કે ઝટકે મિલ રહે હૈ, તો ક્યા કહા જા સકતા હૈ, ક્યા યે વહી પ્લેટ્સ હૈ જો ફિર સે હિલ રહી હૈ? देखिए ऐसा है कि जो गुजरात की बात करें तो गुजरात प्लेट बाउंड्री से बहुत दूर है। ये जो अर्थक्वेक्स है ये प्लेट के अंदर है, ये प्लेट बाउंड्री पे नहीं है। तो जो प्लेट बाउंड्री की बात कर रहे हैं वो हिमालय जो है वो रीजन पूरा प्लेट बाउंड्री में, कच्छ और ये गुजरात जो है प्लेट बाउंड्री से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। और दूसरा जो आप बात करें तो कच्छ की टेक्टोनिक्स अलग है, सौराष्ट्र की अलग है। कच्छ में बहुत बड़े बड़े फॉल्ट हैं और वहां पर आपको बड़े भूकंप आने के लिए फॉल्ट की लेंथ ज्यादा चाहिए, वहां पर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक के फॉल्ट है। अब सौराष्ट्र की बात करें तो सौराष्ट्र में कोई भी फॉल्ट 10 किलोमीटर से बड़ा नहीं है और वो डीप भी कम है। तो अगर फॉल्ट छोटा होगा तो छोटे भूकंप ही आएंगे, बड़ा भूकंप आने की, कच्छ जैसा भूकंप आने की सौराष्ट्र में कोई संभावना नहीं है। और यहाँ पर सौराष्ट्र की जो एक्टिविटी है उसको हम मानसून इंड्यूस सेस्मिसिटी कहते हैं। यहाँ पर जब भी भूकंप आते हैं बरसात के सीजन या उसके बाद आते हैं, 2-3 महीने तक रहते हैं उसके बाद खत्म हो जाते हैं। और इस टाइप की एक्टिविटी जो है वो जामनगर में देखी गई है और तलाला में देखी गई है। तो जामनगर की अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था वो 2006 में आया था। 15 साल से वहां पर सेस्मिसिटी है, बट जो मैक्सिमम भूकंप आया 15 साल में 4 मैग्नीट्यूड के बाद 3 मैग्नीट्यूड तक के आए हैं, उससे ये 3 मैग्नीट्यूड या उससे छोटे आए हैं। तो 3 मैग्नीट्यूड से बड़ा जामनगर में पिछले 15 साल में सिर्फ एक ही भूकंप आया है, वो 4 मैग्नीट्यूड का है, और ये 15 साल के बाद 4.3 मैग्नीट्यूड का है। जबकि तलाला रीजन की बात करें जो जूनागढ़ में है, वहां पर भूकंप की एक्टिविटी थोड़ी जामनगर से ज्यादा है और वहां पे 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक 3 बार आ चुके हैं पिछले 15 साल में। जी जी, सुमेर जी आपसे खास ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज ये जो पूरा झटका अनुभव झटका जो आया है, ये जो भूकंप आया है उसको लेकर ना ही सिर्फ जामनगर लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से रीजन में और कौन कौन से शहर ऐसे है जहाँ पे इसका अनुभव हुआ है? देखिये, ये 4 मैग्नीट्यूड का अगर हम अर्थ के बाद की बात करें तो ये लगभग 50 किलोमीटर के रेंज में फेल्ट होगा, बट इससे नुकसान होने की संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से कोई बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी। बहुत कच्चे मकान होंगे वो विद इन 10 किलोमीटर के अंदर आसपास होंगे तो उसमें सिर्फ हल्की सी दरार आ सकती है, बाकी नुकसान 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। जी, हालांकि इसका जो एपिसेंटर है वो कहाँ पे माना जा रहा है? जामनगर से 14 किलोमीटर दूर, लेकिन जामनगर से 14 किलोमीटर पश्चिम में है, जामनगर और मोटी खावड़ी के बीच में है। जी जी, और वहां से समुद्र भी काफी नजदीक है सुमेर जी, तो लोगों को कौन कौन सी चीजें खास रहेगी जो ध्यान में रखनी जरूरी है? देखिए, अभी ये 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया तो इसके थोड़े आफ्टर शॉक्स आएंगे, बट उनकी आफ्टर शॉक की तीव्रता जो है इससे काफी कम रहेगी, वो 3 के आसपास रहेंगे, मैक्सिमम 3 के आसपास रहेंगे, बट आफ्टर शॉक थोड़े बहुत आएंगे। जी, धन्यवाद आपका सुमेर जी। तो आ जोड़ाया था सुमेर चोपड़ा के जो सिस्मोलॉजी विभाग ना अधिकारी छे, जेमणे जणाव्यु प्रमाणे के आ भूकंप थी हाल डरवानी जरूर नथी, आ प्रकारना भूकंप जामनगर रीजन में चौमासा बाद आवता ज रहता होय छे।